अज़ीज़ तालिबा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सबक है वो है अल मौसूफ व सिफा। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी से इससे पहले की जो चीज़ें हमें जानना चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे। अरबी में जुमले की दो किस्में होती है, एक होता है जुमले मुफीदा या जुमले कामिला यानी एक मुकम्मल जुमला, और एक होता है जुमले नाकिसा या अधूरा जुमला। अधूरा जुमला या जुमले नाकिसा ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें कुछ बामाने अल्फाज तो आए, ऐसे अल्फाज आए जिसके कुछ माने होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपना माना मुकम्मल तौर पर ना बता पाए। जुमला नाकिसा में की दो किस्में हैं, या इसकी ज़ैली दो किस्में, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, अलमरक्कबुल इज़ाफ़ी वलमरक्कबुल तौसीफ़ी। मरक्कब तौसीफ़ी हम मौसूफ़र सिफत को ही कहते हैं। मरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है, अभी मुरक्कबे तौसीफी समझने से पहले हम इसे मुरक्कबे इजाफी को समझेंगे। हम अक्सर इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, तालिबे इल्म की किताब, मस्जिद का दरवाज़ा, उस्ताद का पेन, घर का पंखा। तो का की के इस तरह की जो तरकीब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। यानी इसमें यह बताया जाता है कि एक चीज़ किसी शख्स की है या किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। जैसे ये किताब हम बता रहे हैं कि तालिब इल्म से ताल्लुक़ रखती है, उस्ताद का पेन तो इसमें बताया जा रहा है कि पेन का ताल्लुक़ उस्ताद से है, मस्जिद का दरवाज़ा तो इसमें बताया जा रहा है कि जो दरवाज़ा है वो मस्जिद का है, मस्जिद से उसका ताल्लुक़ है। तो इस तरह की जितनी भी तरकीब आती है तो उसे हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इसको बनाने का तरीका अरबी में क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि की जो लफ्ज़ है, की का और के, इसके लिए अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं आता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है, और किताब को पहले लाना है और तालिब इल्म जो लफ्ज़ है इसको बाद में लाना है। तो अब ये हो जाएगा किताबु ताली बिन। जो दूसरा लफ्ज़ आएगा उस पर हमेशा एक ज़ेर या दो ज़ेर आएगा, इसलिए इस पॉइंट को आप हमेशा नोट करें कि जो दूसरा लफ्ज़ आएगा उसके ऊपर हमेशा एक ज़ेर या दो ज़ेर आएगा। एक और मिसाल के ज़रिए हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम फ़ौरन अल मौसूफ़ सिफा को समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरी मिसाल लिखी है, टीचर का कलम। तो अब इसमें हमें क्या करना है, का जो है उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं आता है, कलम को पहले लेंगे टीचर को बाद में, तो कलम के लिए कलम ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कलमु। अब टीचर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मुअल्लिम का होता है, तो मुअल्लिमिन। टीचर का पेन, और यहाँ पे हम फिर इस बात का ध्यान रखिए कि जो दूसरा लफ्ज़ आएगा उसके नीचे हमेशा एक ज़ेर या दो ज़ेर होंगे। अब हम समझेंगे कि मौसूफ़ और सिफ़त या मुरक्कबे तौसीफ़ी क्या होता है। अल मौसूफ़ व सिफ़ा, अब हम समझेंगे कि मौसूफ़ किसे कहते हैं, सिफ़त किसे कहते हैं। मौसूफ़ जिसके बारे में अच्छाई या बुराई या कोई कैफियत बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। एन अगर जुमले में कोई लफ्ज़ आया जिसकी हम अच्छाई या बुराई या कोई कैफियत बयान कर रहे हैं तो उसको हम मौसूफ़ कहेंगे। जैसे वलदुन सालिहुन बिनतुन शरीफतुन या बैतुन अबयजुन। वलदुन सालिहुन मतलब एक नेक लड़का, बिनतुन शरीफतुन मतलब एक शरीफ लड़की। इन तीनों मिसालों में वलदुन बिनतुन और बैतुन मौसूफ है, वलदुन मौसूफ है बिनतुन मौसूफ है, क्योंकि के नेक होने की सिफत लड़के की बयान की जा रही है और शरीफ होने की सिफत लड़की की बयान किया जाता है। जिसकी सिफत बयान की जा रही, जिसके बारे में कोई अच्छी बात बताई जा रही, बुराई बयान की जा रही, तो उसको हम मौसूफ़ कहते हैं। सिफत मौसूफ़ के बारे में जो कैफियत बयान की जाए उसको सिफत कहते हैं। यानी अगर इसके बारे में जो बात बताई जा रही है, जो सिफत बयान की जा रही, कैफियत बयान की जा रही, तो उसे हम सिफत कहेंगे। सालिहुन और शरीफतुन ये हो जाएगा सिफत। मذکورہ بالا مثالوں میں صالحن شریفتن اور ابیض صفت کے الفاظ ہیں، یعنی ان مثالوں میں صالحن اور شریفتن صفت کے الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں صفت اور موصوف کے بعد لائی جاتی ہے،
और दोनों में तज़कीर व तानीस, मारिफा व नकरा, और वाहिद तस्निया जमा और एराब में मुताबिकत ज़रूरी है। इस जुमले का क्या मतलब है अभी हम उसको समझेंगे। किताब में कहा गया है कि अरबी ज़बान में सिफत मौसूफ के बाद आती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं उर्दू में पहले आती है। नेक लड़का, तो नेक जो होगा सिफत है लड़की, तो इसलिए हम इसे जब मौसूफ और सिफत की हम तरकीब बनाएंगे, मुरक्कब तौसीफ बनाएंगे, तो हमें सिफत का जो लफ्ज़ है वो बाद में लेना है और मौसूफ को पहले ले लेना है। तो लड़के के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वलादुन, और नेक के लिए सालिहुन। तो ये हो गया वलादुन सालिहुन, मतलब नेक लड़का। यहाँ पे जो सिफत है वो बाद में आ रही है और मौसूफ पहले आ रहा है। अब यहाँ पे भी उसी तरह शरीफ जो है लफ्ज़ वो लड़की की सिफत है, इसलिए हम इसे बाद में लेंगे और जो मौसूफ है उसे पहले ले लेंगे। तो शरीफ के लिए जो लड़की के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बिनतुन शरीफतुन, तो इस तरह हम मौसूफ और सिफत की तरकीब अरबी में बना सकते हैं। अब जो किताब में आगे कहा गया है कि मौसूफ और सिफत में चार चीज़ों में एक जैसे होना चाहिए, मुजक्कर और मौनस होने में, यानी अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होगा, मौसूफ मौनस है तो सिफत भी मौनस इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़का जो वलद लफ्ज़ है वो मुजक्कर है, इसलिए यहाँ पे हमने मुजक्कर सिफत इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पे जो बिनत लफ्ज़ है वो लड़की है या मौनस है, तो इसे हमने सिफत को भी मौनस लाया। यहाँ पे आप गोलता देख सकते हैं कि जो गोलता है वो मौनस की निशानी है। उसके बाद है दूसरी जो चीज़ जो मौसूफ और सिफत में एक जैसी होनी चाहिए, वो है वाह मुफरद मुसन्ना और जमा की मुताबिकत, यानी अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, और अगर ये जमा होता या मुसन्ना होता तो ये भी जमा होता। मिसाल यहाँ पे मैंने लिखा है वालदानी सालिहानी, दो यहाँ पे ये तस्निया हो गया मुसन्ना हो गया, तो इसलिए जो सिफत है वो भी मुसन्ना यानी दो के लिए लाएंगे। तो वालदानी सालिहानी, दो नेक लड़के। अब उसके बाद आती है एक चीज़ मारिफा और नकीरा, यानि अगर मौसूफ नकीरा है तो सिफत भी नकरा आएंगी, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा आएंगी। यहाँ पे जो मौसूफ है वो नकरा है, इसलिए हमने सिफत को भी नकरा इस्तेमाल किया। अगर ये वलदुन के बजाय अल वलदु होता तो हम सिफत को भी सालिहु कर देते, तो ये हो जाता अल वलदु सालिहु। और आखिरी जो चीज़ है जिसमें मौसूफ और सिफत एक जैसे होनी चाहिए वो है एराब। एराब मतलब ये कि अगर मौसूफ के आखिरी हर्फ पर पेश आ रहा है तो इस पर भी पेश आना चाहिए, ये अगर हालत रफ़ में रहेगा तो ये भी हालत रफ़ में रहेगा। अगर इसके आखिरी हर्फ पर अगर ज़बर होता तो हम यहाँ पे भी ज़बर लगाते हैं। मिसाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाल के ऊपर ज़बर है, तो इसलिए हमने जो सालिह का जो आखिरी हर्फ है हा उस पर भी ज़बर लगाया। तो चार चीज़ें हैं जिसमें मौसूफ और सिफत एक जैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो मुजक्कर और मौनस होने में, यानी मौसूफ मुजक्कर तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मौनस तो सिफत भी मौनस। उसके बाद आता है उनकी तादाद में, यानी अगर मुफरद मुसन्ना और जमा, अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद, अगर मौसूफ तस्निया या मुसन्ना है या दो है तो सिफत भी मुसन्ना, और अगर मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा। उसके बाद मारिफा और नकरा, यानि अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ नकरा तो सिफत भी नकरा, और आखिरी में है एराब, यानि अगर मौसूफ जिस हालत में होगा एराब के लिहाज से, हालत रफ़ नस्ब और जर तीनों में से जिस हालत में होगा
तो सिफत भी उसी हालत में आएंगी, उसी एराब में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।